जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक के मुख्य आरोपी अतुल प्रसाद के फ्लैट में अब चोरी होने लगा है। अब इनको मैं बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक के मुख्य आरोपी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है, ये लेटर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, साइड में है, अमरेश कुमार के द्वारा जो नवादा जिले के हैं, 3,65,00,000 रुपये का इन्होंने जो आरोप लगाया है कि डायरेक्ट अतुल प्रसाद रिसीव किए हैं, तो जांच इनके ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है जांच कर रही है लगातार। अभी जो है 5 लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया है, और मजे की बात तो ये है कि ये सभी लोग जो हैं वो नालंदा जिले के रहने वाले हैं। तभी तो मैं लगातार बरसों दर बरसों से कहते आ रहा हूं कि दलालों की अगर बिहार में कहीं खान है ना, फैक्ट्री, तो वो है आपका नालंदा जिला। और नालंदा जिला में ही आपको पता है कि नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, घर है वहां पे। और जितने सारे अभी तक पेपर लीक होते आ रहे हैं बिहार में लगातार 10-15 वर्षों से, तो कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट जो है इसका जिम्मेवार है पूरी तरीके से, क्योंकि अभी तक किसी को कोई जो है बड़ी सजा नहीं दी गई है। जितना भी पेपर लीक हुआ सभी में जो है आसानी से सभी आरोपित को छोड़ दिया गया। और कहीं ना कहीं मैं तो खुलेआम डायरेक्ट कहता ही हूं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है पैसा जाता है, और ये जो बीपीएससी TRE-1 और TRE-2 हुआ जिसमें से पैसा का कलेक्शन हुआ, वो जो है आपका लोकसभा 2024 इलेक्शन में पैसा का जो है यूज किया जा रहा है। आप अवगत होंगे क्योंकि TRE-1 और TRE-2 में भी जो है क्वेश्चंस को रीड करवाया गया था, भले कम लोगों को जो है पता चला था, बट करवाया गया था। 2-3 कोचिंग संस्थान से डायरेक्ट बच्चों को वहां से उठाया गया था, और किसी को कुछ पता खबर तक नहीं चला, और जो है सारा काम हो गया। TRE-3 में जांच होनी चाहिए थी अतुल प्रसाद के ऊपर, लेकिन उनके घर में जो है चोरी हुआ है, आप देख लीजिए, है ना, हीरे जवाहरात इनके घर से चोरी हो रहे हैं, नगद पे जो है पैसा चोरी हो रहा है, लगभग 14,00,000 रुपया का इन्होंने दावा किया है कि वो गहना जो चोरी हुआ है वो लगभग 14,00,000 रुपये का था। तो इनके ऊपर जांच होना चाहिए था, EOU को पूछताछ करनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेवार हैं, ये गुनाहगार हैं, मैं खुलेआम बोलता हूँ, है ना। और अगर ऐसा नहीं था तो वो वाला लेटर जो है वायरल चल रहा है तो फिर ये क्या था। तो इनके ऊपर जांच होनी चाहिए थी, और जो EOU का जो है हाथ लगी है, अभी आप देखें रिसेंटली में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि बहुत कुछ तो होने वाला है नहीं, हमें ऐसा लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, है ना। बाकी अगर EOU चाहे, अगर नीतीश कुमार जी चाहे, तो वो इसकी सत्यता की जांच करवा सकते हैं, और जो आरोपित हैं वो सामने आ जाएंगे, उनको सजा मिलेगी अगर बिहार गवर्नमेंट चाहेगी तो, नीतीश कुमार जी चाहेंगे तो। लेकिन चाहेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ तो चाहने वाली बात आती है ना, तो चाहेंगे कैसे, क्योंकि उनके मंत्री भी इसमें संलिप्त हैं, साथ ही साथ बीपीएससी के बहुत सारे अधिकारी संलिप्त हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले जो है टीचर जो हैं इसमें संलिप्त हैं, तो वो सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों करेंगे भाई, जो उनको जो है फाइनेंशियली जो है सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो क्यों उनके ऊपर क्यों कार्रवाई करवाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब तक तो सबको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, सबको सजा मिल जानी चाहिए थी इतना समय में, लेकिन हुआ गया, बस यूं ही चल रहा है। अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ के बाद जो है फिर भी मामला को जो है फिर दबा दिया जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इनके JDU के मंत्री का जो है इस बहाली में, इस पेपर लीक में बहुत बड़ा हाथ था, और बीपीएससी अधिकारियों का भी जो है बहुत बड़ा हाथ इसमें था। जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और
मान करके चलिए कि जिनके ऊपर अब ये लोग जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो इनसे अब तक जो है ईओयू को, आर्थिक अपराध इकाई को जो है कोई सुराग नहीं मिला है। ये भी एक इत्तेफाक वाली बात ही है ना। विशाल चौरसिया का जो गिरफ्तार हुए उनका नाम आया, उनके साथ थे और भी लोग थे, तो उनसे भी जो है कोई सुराग अभी तक जो है पता नहीं चल पाया कि कौन वो लोग था बीपीएससी में बैठा हुआ जो पेन ड्राइव का जो है ओटीपी बताया था, है ना, या पासवर्ड बताया था, तो अब तक पता नहीं चल पाया। यानी कहने का मतलब है सीधा सीधी कि जो है जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उनको तो सजा मिल नहीं रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। और ये छोटे मोटे जो लोग हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, वैसे तो हर जिले में भरे पड़े हैं, तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है ईओयू के द्वारा। कम से कम आपको खबर तो मिल रहा है कि भाई आपका आर्थिक अपराध इकाई जो है जांच कर रही है, अभी जिंदा है ना, अभी काम उनका चल रहा है। बाकी आप इंतजार कीजिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अतुल प्रसाद जैसे जो है भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, है ना, और साथ ही साथ जो मंत्री इसमें संलिप्त थे, जो शिक्षक संलिप्त थे, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकता है। बट अभी इतना समय में सारा कुछ हो जाना चाहिए था, बट इतना समय होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया, तो आगे बस देखते रहिए, जो होगा वो आपके समक्ष आएगा ही आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।